सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे YouTube चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर ये पेपर जो दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, तो ये STS CNET में सुपरवाइजर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई थी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा STS का जो पेपर होता है उसका एग्जाम लेवल किस टाइप का होता है, तो उसके हिसाब से आप एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि UPNHM के द्वारा जो STS का वैकेंसी निकाला है 293 पोस्ट, तो उसके लिए जो है मैंने आपके लिए बोला था मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और भी आपके लिए यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से जो है प्रैक्टिस सेट बना करके डालूंगा, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सभी जो है इन पेपरों को ध्यान से देखें ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लगे, उसी के अनुसार जो है आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये कुल 60 अंक का पेपर था, समय भी 60 मिनट दिया गया था इसमें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि राजस्थान का STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पेपर था ये, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान की थोड़ी बहुत जीके पूछी गई, बाकी जो है आपके STS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था तो इसमें इन्होंने यहाँ पर स्टार दिया है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कोई सा भी क्वेश्चन जो है राइट नहीं माना है, ठीक है। तो कुल स्थलीय सीमा यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें क में दे रखा है 5091 किलोमीटर, ख में दे रखा है 5920 मिलीमीटर, 5290 किलोमीटर और 5090 किलोमीटर। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं माना है किसी को भी। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर माना है इन्होंने गंगानगर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2016 NRS के अनुसार राजस्थान का शिशु मृत्यु दर कितना हाँका गया है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 41 का। क्वेश्चन नंबर 5, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के में परिवार को कितना बीमा कवर रुपए दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही गिना दिया था कि NRHM से रिलेटेड आपकी जो भी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं से रिलेटेड, हेल्थ स्कीम से रिलेटेड जितने भी योजनाएं चल रही है उनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में जो है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर 30,000 से लेकर के 3,00,000 रुपये तक का बीमा कवर किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर क राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग, आदर्श विद्यालय योजना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। NTCP कार्यक्रम प्रमुखतः से किस गतिविधि से जुड़ा है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा टेबेको कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7, एक लेबर रूम में आमतौर पर निम्न में से क्या उपलब्ध होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ग, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी बीमारी रक्त से संबंधित है, इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा थैलेसीमिया। क्वेश्चन नंबर 9, कीमोथेरेपी का संबंध कौन सी बीमारी से है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ख, कैंसर। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी बुक नहीं मंगाई हो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की, तो वो मंगवा लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड किए गए हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, ठीक है। और उसमें आपके 42 चैप्टर है, ठीक है। तो 42 चैप्टर के अलावा जो है उसमें आपके 27 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक है। तो आपके काफ़ी अच्छा मैटर जो है पुराने पेपर को देख करके तैयार किया गया है। और एक और चीज़ की, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बुक में आंसर नहीं है, तो वो उनके मेरे पास पर्सनली फ़ोन और मैसेज आए व्हाट्सएप पे, तो उनको मैंने बताया कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 9 देखिए, 9 में जैसे कि क्यूमेटेरी का संबंध कौन सी बीमारी से, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे TB, कैंसर, दिल की बीमारी, डायबिटीज, और इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है ख। तो बुक में भी ऐसे ही आंसर दिए हुए, बाकी उनको ये आंसर दिख ही नहीं रहा, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। सेम टू सेम ऐसे कैसे ही आंसर दिए हुए पूरी बुक में, तो जिसने अभी नहीं मंगवाया तो मंगवा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, तपेदिक TB रोग में डोर्स का क्या अर्थ है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन क, डायरेक्ट ऑब्जर्वर्ड ट्रीटमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेफ का पूरा नाम बताइए, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें इसमें आपका कोई सा भी आंसर नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, आशा सहयोगिनी का संबंध निम्न में से किस विभाग से नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा पेयजल विभाग से नहीं है, बाकी सभी विभाग से आशा सहयोगिनी का जो है संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13,
यूरिनरी कैथेटर उपकरण का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, नवजात को श्वसन हेतु, नवजात को उचित तापमान देने के लिए, रोगी के मूत्र को एकत्रित करने को सुलभ करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा बेरी। क्वेश्चन नंबर 15, विडाल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए करवाया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा टाइफाइड। यहाँ पर दोस्तों जैसे मेंशन कर रखा है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का प्रीवियस पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं आपको ये PDF दिखा रहा हूँ, तो ये सारे पुराने पेपर इसमें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकेंड पेज पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, MTP अधिनियम किस प्रकार का नियंत्रण करता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख, गर्भपात के गैर कानूनी निपटारे के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, स्वास्थ्य के क्षेत्र में MDT पद्धति का उपयोग कौन से रोग के संदर्भ में होता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कुष्ठ रोग। क्वेश्चन नंबर 18, WIFS के लिए राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन सा दिन निश्चित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 19, MUSE टेप से क्या पता लगता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बाजू की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 20, WIFS का पूरा नाम क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21, आशा सहयोगियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल सिम के जरिए जोड़ने की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा आशा संचार। क्वेश्चन नंबर 22, HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा HIV संक्रमित खून चढ़ाने से। क्वेश्चन नंबर 23, डीवार्मिंग कर्मी मुक्ति कार्यक्रम में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है एबेंडाजोल। एबेंडाजोल जो है कीड़े मारने की दवा है, तो ये दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी से सबसे अधिक लोग मरते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है तपेदिक, जिसको अपन बोलते हैं TB। क्वेश्चन नंबर 25, RNTCP के अंतर्गत क्षय रोग के लिए रोग याद करने का विद्यमान उपाय क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बलगम परीक्षा या परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में महिलाओं में सर्वाधिक सामान्य कैंसर किस अंग से संबंधित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 27, कुपोषण प्रबंधन के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप में शामिल है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन घ, छह माह पर स्तनपान एवं अनुपूरक आहार। क्वेश्चन नंबर 28, महिला नसबंदी के बाद कितने दिनों के आराम की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 15 दिनों की। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से गर्भ निरोधक साधन के इस्तेमाल से पहले लिखित सहमति की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा नसबंदी महिला और पुरुष। क्वेश्चन नंबर 30, महिला नसबंदी कब कब की जाती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया 60 क्वेश्चन है इसमें, तो 30 तक मैं करवा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं 31 से लेकर के 60 तक का कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिसने अभी तक हमारा बुक नहीं मंगाया सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।